एलर्ट्स शो करने के लिए हम वापस इसी में आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये एक है, इसको यूज करेंगे और इसके नीचे एरर शो करना है तो हम सिंपली टेक्स्ट स्विच यूज कर सकते हैं। मेनली सिर्फ और सिर्फ हमें इसका वेरिएंट चाहिए, कलर रेड और वेरिएंट सो। इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पे आ गए और लेट्स से कि मैंने कह दिया कि अगर आपके पास ओके वेरिएंट सॉफ्ट अगर मैं ना लगाऊं तो कोई चक्कर नहीं, जो वेरिएंट सॉफ्ट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, वेरिएंट सॉफ्ट अगर ओके ठीक है, अगर और जब वैलिड हो जाए तो इसको ग्रीन कर लेंगे। ओके दैट्स गुड, डन है। सबसे पहले इसको वेरिएंट सॉफ्ट और क्लासिक और सरफेस इसको करते हैं टच्ड डॉट नेम, अगर ये हो चुका है तो फिर ये डन। ओके नहीं, अगर नहीं हुआ तो सरफेस पे जाओ, ये ठीक है, टच किया और ये लो, दैट्स गुड। ठीक है, और उसके बाद अगर एरर्स डॉट नेम है तो रेड, अदरवाइज ग्रीन, और अदरवाइज ग्रीन तब करना है जब ये टच्ड भी हो चुका हो। नाली अनडिफाइन कह सकता हूँ, अनडिफाइन कह सकता हूँ। ठीक है, ये टच नहीं हुआ तो ये टच हो गया और ग्रीन क्यों हो गया, नेम एरर है तो रेड, तो एरर है नहीं, सॉरी मैंने इसका क्या कहा है, इसको वैल्यूज में नेम का नहीं आ रहा, ओ सॉरी स्ट्रिंग होनी चाहिए और डॉट मेन नॉट एम्प्टी, यहाँ पे रिक्वायर्ड कह देते हैं, रिक्वायर्ड कोई मसला नहीं, मेन एम्प्टी है, ओके मेन लेट्स से 3 व्हाटएवर, ये डन है, ताकि वो एरर आ जाए और जो मैसेज शो करवाना है वो हम नीचे शो करवा लेंगे, जो कि हम कह देंगे कि टैक्स उसमें एरर नेम्स, और इसको शो भी तभी करवाना है जब ये हो। ये और इसको इसके वेरिएंट को भी कलर रेड और साइज 1, गुड एटलीस्ट आई लाइक इट, और इसको मार्जिन राइट मार्जिन लेफ्ट देंगे थोड़ा सा, लेट्स से के 2, वेरी गुड लुकिंग गुड, और इस चीज को रिपीट ना करना पड़े तो इसको हम पकड़ेंगे और इसका एक कंपोनेंट बना लेंगे, क्योंकि अगर मैं रिपीट करता रहा तो फिर मुझे फॉर्म, अच्छा इनपुट इंडेक्स डॉट टी एस, सॉरी टी एस एक्स, और यहाँ पे इम्पोर्ट, यहाँ पे कॉन्स्टेंट इनपुट, यहाँ टैक्स इनपुट कह देते हैं, टैक्स इनपुट रिटर्न दिस और ये जो चीजें हैं यहाँ पे आपको चाहिए, तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसलिए मुझे फॉर्मेट थोड़ा पसंद भी है,
आप आराम से यहाँ पे यूज़ फॉर्मिक कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, और जो जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको वहाँ से निकाल लें। वैल्यूज़ चाहिए, हाँ वैल्यू इसलिए चाहिए कि ताकि इसकी वैल्यूज़ को सेट कर सकें। हालांकि खैर कोई नहीं, वैल्यू इक्वल टू दिस, और ये सारा कुछ इसमें से आएगा। हैंडल ब्लर, एरर्स, टच्ड, और ये जो चीज़ है अब ये कैसे आएगी, ये बेसिकली इसको टाइप देनी पड़ेगी कि इसकी क्या टाइप है। उसके लिए बेसिकली इसको एक टाइप पास करनी पड़ेगी और फिर ये काम करेगा। ये जो नेम है यहाँ से आएगा, तो इसके लिए इसको इनपुट नेम स्ट्रिंग, इनपुट नेम यहाँ से ये उठा लो, चलो देखते हैं। इसकी जो टाइप है उसको हम डिफाइन करेंगे तो फिर ये सही हो जाएगा। बस एक मिनट, उस तरफ मैं जाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इस वजह से आ रहा है कि ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है ना, ये जेनेरिक बेसिकली फंक्शन है या हुक है। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें एक नेम होगा स्ट्रिंग का, ओके, और ईमेल होगी स्ट्रिंग की। सिंपल वही चीज जो हमने वहां पे किया है, और ये एक किस्म की डुप्लीकेशन हो गई है। तो हम इसको अभी इम्प्रूव करते हैं। बस मैं एक दफा इसको पहले यहाँ पे कंफर्म कर लूँ। ओके, ये हो गया। और वैल्यूज ये अब आप देख सकते हैं, वैल्यूज कंफर्म हो गई हैं। अब ये क्या कह रहा है, इम्प्लिसिट, ओके, नो सिग्नेचर स्ट्रिंग, ओके, डन है। तो इसको बेसिकली इसको भी जरा कि ये नेम हो सकता है, या फिर ईमेल हो सकती है, या फिर पासवर्ड हो सकता है, या फिर बेसिकली पासवर्ड कंफर्मेशन हो सकता है। ओके, ये चीज़ काफ़ी सिंपल होती है, बस उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है और वो हो जाती है। अब ये जो चीज़ है ये बेसिकली एक यूनियन टाइप हो गई है। इसका हम एक चीज़ मैं बस ट्राई कर लूँ, क्या यहाँ पे इनम चलेगा, बस मैं इस चीज़ को ट्राई कर लूँ। फील्ड्स, ओके, और ये भी चल गया, जबरदस्त है, डन है। मतलब और इनम एटलीस्ट मुझे बेहतर लगता है, यूनियन से बेहतर होता है मेरी सेंस में। तो अगर आपको उसमें कोई बेसिकली ऑब्जेक्शन हो तो प्लीज जरूर मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको खुद इम्प्रूव कर सकूं। अच्छा, अब इसको हमने बेहतर करना है। बेहतर हम इस तरह करेंगे कि हम इसको जो बेसिकली रिपीटेड डाटा है उसको एक जगह पे कर लेंगे, और फॉर्म्स इंडेक्स डॉट पीएक्स एक्सपोर्ट इंटरफेस आई रजिस्टर फॉर्म डाटा, और ये सारी टाइप यहाँ से आ जाएगी। इसका मैं बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमें फ़ायदा कैसे हुआ। इसका फ़ायदा ऐसे हुआ कि हमने ये कर लिया, और यहाँ पर भी इसको अगर हम करते हैं, मतलब कहीं पे अगर यूज़ करने की ज़रूरत हुई तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। एक चीज़ ये हो गई, उसके बाद दूसरा वापस आ जाते हैं इनम्स में। इनम कहाँ पे, ये है
और इसमें बेसिकली ये जेनेरिक थे। अब हमें फॉर्म्स, मुझे फॉर्म डाटा के चाहिए, फॉर्म डाटा स्लैश इंडेक्स डॉट टी एस और एक्सपोर्ट इनम रजिस्टर, सॉरी रजिस्टर फॉर्म फील्ड्स। और वंस अगेन वैल्यू होपफुली आपने गैस कर लिया होगा कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी। और इसको हम यहाँ पे कर देंगे और दैट्स इट। और लास्टली इसकी जगह पे भी यही आएगा और इसको अब यहाँ पर भी हम कर लेंगे यूटिलाइज। आप चाहें तो इसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं, जैसे कि इसको पकड़ें, दिस नेम मीन के आप फुली कह लें कि एक किस्म पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्मेशन, ये वो इसी तरह इस चीज़ को मीन के आप कह लें कि आपकी फुल एक किस्म की सेफ्टी हो जाएगी। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ऑटो कम्प्लीशन अभी मिल रही है, लेकिन एक जो चीज़ कह लें कि जो इतनी मज़े की नहीं है वो ये है कि अगर मैं लेट से यहाँ पे आके इसको चेंज करता हूँ पासवर्ड टू, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये बस इसकी कह लें कि जिसको कि हम लेट से इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे लेने ऐसे करने के बजाय वैल्यूज करते हैं ओके, और वैल्यूज में से हम इस तरह निकाल लेते हैं। अब ये फिर वही टाइप सेफ हो गया। तो ये थोड़ा सा कह लें कि आपका तरीका है कि आप किस तरह उसको हैंडल करते हैं। मेरा एंड गोल ये है कि आप कहीं पे चीज चेंज करें तो आपको कोड चेंज ना करना पड़े एग्जिस्टिंग, बस जितना आपका कोड बेसिकली सही रहेगा उतनी ही आपकी एज अ डेवलपर वर्थ इंक्रीज होगी। और अब नेक्स्ट हम इस चीज को भी कर सकते हैं ऑटोमेट, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा और इस चीज़ को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ भी कॉपी कर रहा हूँ, जो कि मैं एक्सपोर्ट ये और इस चीज को यहां से निकाल के यहां पर और इस चीज को यहां से निकाल कर यहां पर, और उसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ है, ये चीज़ है दैट्स इट। ये लें यहाँ पे अब बेसिकली बाकी फॉर्म्स का भी स्कीमा हम लिख लेंगे और थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा उसके बाद इस चीज़ को मैंने करना था, तो उसका जो मेरे जेन में तरीका कार है वो इस तरह है कि लेट से रजिस्टर फॉर्म फील्ड्स जो के होंगी नेम ओके, या फिर ओके मैं इसको कर देता हूँ यही ये जिसकी टाइप जो है टाइप, और इसकी भी अब एक इनम बना लूंगा मैं, एक्सपोर्ट इनम फील्ड्स स्ट्रिंग
स्ट्रिंग, या फिर इसको टेक्स्ट कह लें, वो ज़्यादा बेहतर है। मीन वो एग्जैक्ट वो चीज़ जो हमें उसमें प्रयास करनी है, और अभी के लिए सिर्फ तीन ही है, ईमेल और पासवर्ड। जब और आएगा तब देख लेंगे। टैक्स, ओके, प्लेस होल्डर, और बस यही है। नेम ये सेम होना है, टाइप और प्लेस होल्डर, दैट्स इट। ओके, इस चीज को पकड़ें। इसको ये करें इस चीज को डॉट, सबसे पहले सॉरी, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, इसकी डॉट फॉर ईच की फील्ड की कह देते हैं, यहाँ पर मैप कह लेते हैं, मैप से ज़्यादा बेहतर है। रिटर्न ओके, ये हो गया। और अब अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि इस भाईजान को समझ नहीं लग रही। एज कॉन्स्ट कर दो इसको, ये हो गया कुछ इस तरह से। और कोई मसला नहीं, ये है क्या, की स्ट्रिंग है। ये कह रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग है, और मैं इसको कह देता हूँ एज दिस अरे। ओके, अब ये क्या है, ये है, और यहाँ पर ये हो गया, और अब इस पे प्लेस होल्डर भी आ गया। ठीक हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसको बात समझ आ जाएगी। लेट्स से कि इसको हमें क्या चाहिए, टाइप, उससे उसका काम हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें की इटसेल्फ चाहिए, और कोई चीज़, ये जो है ये भी, ये ले। और इसकी बेसिकली यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने ये सारा काम उसमें कर दिया था, मेरे अपने जेन से निकल गया। और इसको मैंने कहा था कि ये टैक्स इनपुट है, इसको चेंज करना पड़ेगा टैक्स इनपुट है। और यहाँ पर वैसे तो एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये हुआ है कि नहीं, चलें थोड़ा बहुत एटलीस्ट हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, ओके सॉरी, जब भी हम लूप कर रहे होते हैं इस तरह, तो हमें यूनिक की प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि अभी के लिए ये सेटिस्फाई कर देगा काम। और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वैलिडेशन सारा काम चल रहा है। अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ जो और बेहतर करना है काम को, तो उसका तरीकाकार ये है कि इसको हम पकड़ेंगे और इस भाईजान को यहाँ से कट करके यहाँ पे अभी के लिए प्लेस कर देंगे। और इसमें प्लेस होल्डर, ETC, ये सारा कुछ अब मुझे यहाँ पे चाहिए, जो कि मैं यहाँ से लूँगा प्लेस होल्डर स्ट्रिंग। और लेट्स से के टाइप वो फॉर्म फील्ड टाइप, ओके,
ओके, इन दोनों को यहाँ पे मुझे गेट करना है और दैट्स इट सेट करना है। प्लेस होल्डर टाइप, इनपुट नेम, इनपुट नेम ये वगैरह, और इसी के साथ ये काम ख़त्म हो गया। दैट्स इट, यहाँ पे वापस आते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और इसको जो इसका डाटा है वो प्रोवाइड करते हैं। ये है प्लेस होल्डर जो कि है रजिस्टर फील्ड्स दिस एंड प्लेस होल्डर, और नेक्स्ट क्या टाइप, इसको ही कॉपी कर लो और इसको क्या तो टाइप, ये ले जी आपका काम सही हो गया। और वंस अगेन मैं एक चीज़ फिर भूल गया, की जो है वो यूनिक होनी चाहिए, सॉरी अबाउट दैट। ये ले, इतना लंबा कोड इतने कोड में समा गया जो कि थोड़ी सी बेहतर बात है, और अभी वैलिडेशन सब कुछ आपका सारा कुछ सही चल रहा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, ये पहले ज़रूरत थी। ओके, ये क्या हुआ? अच्छा एक मिनट रिफ्रेश करें, और सॉरी वो बेसिकली डन है, वो पासवर्ड था इस वजह से। अब ये पता नहीं क्या पासवर्ड रख दिया मैंने, चलो कोई नहीं दोबारा लिख लेते हैं। ओके डन है, गुड है, दैट शुड डू इट। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, वैल्यूज वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं था चाहिए, क्या बात है। और ये जो फील्ड्स हैं इनको भी यहाँ से मूव कर लेंगे, ये जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं इनको, इनके लिए एक अलहदा चीज़ बना लेंगे, और मेनली दैट्स इट। इसको कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यूज़ यूज मीमो, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक हो गया, और इसको यहाँ पे पास कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन के लिए, नहीं तो ये हर दफा खैर। ओके ये हो गया, ये हो गया, दैट्स इट, ठीक हो गया। ओके आगे मूव करते हैं, और इस चीज़ को भी मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, और मूव कर रहा हूँ फॉर्म फील्ड्स डैट्स डॉट टी एस, और इस चीज़ को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट किया और एक्सपोर्ट किया, ये किया, और इधर सिर्फ इसको इंपोर्ट किया, दैट्स इट। यहाँ पे जो अब नई चीज़ यूज़ हो रही है उसको ख़त्म कर दो। ये हमारा रजिस्टर पेज बन गया, और नेक्स्ट जो है हमारा लॉगिन पेज बन रहा है, इसी को सारे को फुल ऑन कर लेते हैं। रीसेट चल रहा, चल रहा, अच्छा यहाँ पे आगे लॉगिन में ये डमी लॉगिन, अब इसको गायब कर देंगे, ये हो गया। लॉग इन, और अब इन डाटा इनको जो है इसको सही करना, लॉग इन, उसमें मुझे ईमेल और पासवर्ड चाहिए।
एक चीज हो गई। और वंस अगेन डू नॉट रिपीट योर सेल्फ वाला प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए इन दो फील्डों को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इधर आओ वापस। ओह सॉरी, ठीक है। ये जो है अब इसको हम जेनेरिक कर देंगे। ये बजाय इसके ऐसे होने के हम ये टी होगा, ओके, जो के जस्ट 1 मिनट, इसको यहाँ से निकालो इंटरफेस और टैक्स इनपुट प्रॉप्स दिस, और ये बेसिकली टी इंटरफेस में जेनेरिक कैसे आते थे मेरे जहन से निकल गया। ओके ऐसे, ठीक है, चलो शुक्र है, ये हो गया। और क्या कह रहा, रिक्वायर्स वन इंटरफेस दिस एंड दैट। ये अब मेरे भी जहन में नहीं आ रहा। जेनेरिक इंटरफेस टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, ये ऐसे हो गया। और अच्छा, अभी मेरे मुझे ये हुआ और ये हुआ। टी कैन नॉट फाइंड टी। अच्छा, क्या ये स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे? अच्छा, ये कह रहा है कि अच्छा जब यहाँ पे डिफाइन पास करो तब इस इंटरफेस को पास कर दो, वो इंटरफेस इसको चला जाएगा। लेकिन ये नहीं, मैं ये इंटरफेस बाहर से लेके आना चाह रहा हूँ। इंटरफेस बाहर, बेसिकली ये जो टाइप है ये बाहर से आनी चाहिए। ठीक है, ओके, ट्राई करते हैं फिर देखते हैं। ये हो जाएगा और साथ में ही मुझे